हम बिल्कुल रोड के किनारे टेंट लगा के बैठे हैं। इतना ठंडा पानी था बट ये मेरे को लाइफ में एक बार करना था। हनुमान जी की जो पूंछ ही नहीं ला पाता वो जगह ये। ऐसा एक ले लो, बहुत खट्टा है। तो ये है भारत का प्रथम गांव बोल सकते हो माना। गाइस ये कोई इशू हो गया इसमें, ये देखिए DPF इज क्लॉग्ड। पहाड़ों के बीच बसा हुआ अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ। हे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, अभी जस्ट उठे हैं, मॉर्निंग के 7:30 बज गए हैं। एंड कल रात की नाइट बहुत बढ़िया थी, दिवाली की नाइट। एंड आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। हम हैं नियर जोशीमठ। थोड़ी देर में जैसे थोड़ी सी धूप लगती है गाड़ी को तो सारा सामान पैक कर लेंगे और फिर हम निकलेंगे बद्रीनाथ के लिए, क्योंकि बद्रीनाथ यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, ओनली 1 आवर मैक्स टू मैक्स लगेगा। कैसे रहे आपकी नाइट? बहुत अच्छी, मज़ा आ गया भाई। पहली बार कैंपिंग है लाइफ में? पहली बार। और तुम्हारा कैसा रहा एक्सपीरियंस? एकदम बढ़िया, मजा आ गया। इसी जगह हमारा स्टे था, काफी अच्छी जगह, बड़ी नेचुरल सी है। हम जोशीमठ के पास हैं। कल रात की हमारी बहुत बढ़िया रही, दिवाली की नाइट हमने अच्छा एंजॉय कर लिया। एंड अभी आज है राम राम, तो आप सभी को हमारी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत राम राम। ये आप देख सकते हैं हम बिल्कुल रोड के किनारे टेंट लगा के बैठे हैं। तो कल रात यही जगह मिली थी, बढ़िया जगह थी, तो यहीं हमने अपना स्टे कर लिया था। तो काफ़ी अच्छी रही हमारी दिवाली की नाइट, क्योंकि चाय एंड परौंठे है इस नज़ारे के साथ। गाड़ी पे भी टेंट वेंट सब पैक करने वाला पड़ा है, अभी फोन वोन सब चार्ज लगाते हैं कुछ देर के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, अभी देखो मॉर्निंग सारे काम करके गाड़ी वाड़ी पे सब सामान पैक करके अभी हम निकल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, ये मेरे सारे दोस्त। तो अभी आगे की जर्नी शुरू करते हैं, लेके बाबा का नाम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और पहुंचते हैं बद्रीनाथ, और एक बड़ा तीर्थ स्थल है, बड़ा धाम है, तो वहाँ पे मथा टेक के आते हैं। यहाँ के उत्तराखंडी छोटे छोटे विलेज, यहाँ की कल्चर, यहाँ की चीजें हम अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अच्छे से देखते हुए, अच्छे से इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। और कल जहाँ हमारा स्टे था वहीं हमने दिवाली मनाई, अच्छे से नींद आई, सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। आज बढ़िया फ्रेश फील कर रहे हैं, बस एक नहाने की कमी है। तो बद्रीनाथ में गर्म कुंड है, या तो वहां नहाएंगे या कोई झरने के नीचे नहाएंगे अगर अच्छी धूप मिली तो। देखिए एक झरना आया है जोशीमठ से थोड़ा सा पहले, इतना प्यारा है कि मेरा तो मन कर रहा है जाके नहा लूं, लेकिन यहाँ छाया है तो मतलब ठंडी बहुत है, तो ये रिस्क ले लेंगे। तो एवरीबॉडी ये है नीचे की तरफ जोशीमठ, और ऊपर जाते हैं तो ओली आता है, काफी अच्छा हिल स्टेशन है ओली। तो यहाँ से बस को रास्ता दे देते हैं क्योंकि रोड थोड़ी पतले हैं आगे, और आगे की तरफ है जोशीमठ, और ऊपर जाते हैं इधर ऊपर की तरफ है ओली, जो यहाँ से करीब 14 किलोमीटर दूर है। ये जो घर टूटे हुए आप देख सकते हो, ये वही है जो कुछ दिन पहले तक एक न्यूज आया करते थे कि जोशीमठ धंस रहा है, जोशीमठ के घर टूट रहे हैं, पता नहीं ऐसा सा कुछ सीन था, यहाँ पे रोडों पे पानी आ गया था, लोग सड़कों पे आ गए थे, बड़ी सारी चीजें हुई थी। तो ये वही जगह है जोशीमठ, और यहाँ पे भगवान विष्णु का भी मंदिर है, नरसिंह रूप का, ऐसे ऐसे सुना है मैंने कि कुछ प्राचीन मंदिर है इधर, बड़े पुराने पुराने से घर है। ये जोशीमठ का शायद मार्केट होगा, पुराने घर है इधर सारे। ऐसे एरिया में रहने के मजे ही आ जाएं। यारे गूगल माता टर्न लेफ्ट बोल रही है, कहाँ खाई में कूदूं। आप देख लो गाइस कैसे है गूगल के परफॉर्मेंस। ये घर देखो आप, ये घर देखो कितना प्राचीन घर है। ये देखो शंकराचार्य मठ। और यार यहाँ से क्या रहता है कि एक रास्ता जाएगा नीचे की तरफ जो भगवान नरसिंह के मंदिर की तरफ जा रहा है, जो विष्णु जी के चौथे अवतार थे, और हम जा रहे हैं वहाँ पे। ये भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह का मंदिर है। दिवाली से अगले दिन हम महालक्ष्मी जी के दर्शन कर रहे हैं, वैसे तो कल होने चाहिए थे लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन लेट हुआ लेकिन हो गए दर्शन। एक प्राकृतिक कुंड बना हुआ है जहाँ हाथी के मुख से पानी निकल रहा है। ये भी नरसिंह भगवान का मंदिर, और ये भगवान शिव का मंदिर। बहुत प्राचीन मंदिर भी हैं, 100-200 साल पुराने भी, और ये काफ़ी अच्छी जगह जोशीमठ में। यहाँ आए काफ़ी अच्छा लगा, अभी हम आगे निकल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। तो ये है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा जो हमने जोशीमठ से ली अंकल जी की शॉप से, और इन्होंने जोशीमठ के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, और यहाँ भी काफी सारी चीजें हैं। रुद्राक्ष है जो नेपाल से आया है, या नेपाल के शिवलिंग का, बहुत सारी चीजें हैं। और मेरे को ना छोटी छोटी ऐसे मूर्ति रखने का, कलेक्शन रखने का मेरे को शौक है। तो यहाँ से अब अभी तेल डलवा लेते हैं, गाड़ी में बहुत कम ऑयल है। और ये देखो यूट्यूबर का पोस्टर लगा है, वही सेम चीज जो कुछ दिन पहले
एल्विश वाला सीन था। ओ भाई क्या जन्नत आ गई, क्या रास्ता आया। देखो यार जोशीमठ क्रॉस करते ही पूरा पेड़ों से कवर्ड। यार ऐसे रोड सीरियसली मुझे बहुत पसंद है। और हम अभी जा रहे हैं आगे की तरफ, आगे चल के आएगा बद्रीनाथ। अबे पेट्रोल पंप की भी तलाश है यार। ये तो रोड ही ब्लॉकेज हो रखी है यार, थोड़ा सी तो खाली है, गाड़ी तो निकल जाएगी। ये क्या कई बार स्लाइड आ जाता है। राइट नाउ आई एम एट पांडुकेश्वर। ये है पांडुकेश्वर विलेज जो भी आप देख रहे हैं। और ये जो नीचे के साइड में है ये है मंदिर, ठीक है। ये है पांडवों का मंदिर और इसका रास्ता जाता है वहां से ट्रैक करके नीचे जाना पड़ता है। ये देखिए पहाड़ी वेड़े कितने खूबसूरत है यार, इनके कितने बड़े बड़े सिंगर, इनकी कोटिंग देखो कितनी शानदार है। भाई ये अपनी थार खड़ी है और ये उस ग्लेशियर से जो पानी आ रहा है ना, ठंडा 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 ठंडा, ये देखो ये जो पानी जा रहा है ये वाला, इस पानी के अंदर अभी हम उतरेंगे, नहाएंगे, आज जल स्नान करेंगे ठंडे पानी से। आइस बात तो नहीं है लेकिन पानी तो आइस जैसा ही है यहाँ का। तो ठंडे ठंडे पानी से नहाएंगे फिर चलेंगे बद्रीनाथ मंदिर में मत्था टेकेंगे। कैंपिंग में ये बढ़िया रहता है, मैं फर्स्ट टाइम ऐसे ओपन में ऐसी जगह पे नहाऊंगा। ओपन में वैसे तो नहाए हैं कुंड वगैरह में, लेकिन अभी कभी ऐसे झरने या ऊपर से आ रहे पानी से जो बर्फ का है, जो ऊपर ग्लेशियर का है, ऐसे ऐसे कभी नहीं नहाए। फर्स्ट टाइम नहाएंगे मजा आएगा। वो जो ऊपर की साइड में आपको ग्लेशियर दिख रहा है उससे यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी आ रहा है। इस पानी से नहा के आया हूँ मैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, इतना ठंडा पानी था। बट ये मेरे को लाइफ में एक बार करना था और बड़ा सेफ जगह थी, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया है। कोई कमेंट करके ये मत बोलना कि भाई नदी में उतर गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर से झरना बहता हुआ सा आ रहा था, ऐसे ऐसे नाला आ रहा है, उस नाले में जाके बढ़िया नहाया हूँ। इतना माइनस टेम्परेचर का पानी था, सब सूना हो गया, लेकिन लेके बब्बे का नाम हम तो उतर गए पानी के अंदर और कसम से मजा आ गया। अभी जल्दी से कपड़े पहनते हैं नहीं तो ठंडी लग जाएगी। अभी इसके बाद में नहा धो लिए हैं, अभी बाबा बद्रीनाथ के दर पे जाएंगे, मत्था टेक के आएंगे। ये देखिए ऊपर सारा लैंडस्लाइडिंग वाला जोन है और हम अभी जा रहे हैं इस जोन से होते हुए। अभी ग्लेशियर के पानी से नहा के आए, काफी अच्छा फील हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि लाइफ में ऐसा फील लेना चाहिए आप लोगों को भी एक बार। और इधर पानी का सोर्सेज आ रहा है बहुत अच्छा, पहले पता होता तो माँ कसम यही नहाते। गाड़ी धोएं क्या यार यहाँ पे, गाड़ी धोएं क्या? धो। अरे यार ये पीछे गाड़ी आ गई यार, इसको निकलना है, गाड़ी धो लेते हैं यार। आते टाइम धोते हैं, आते टाइम धोएंगे। तो ये आगे चल के एक डैम है, शायद यहाँ बिजली बनाई जाती है, शायद ये कुछ है ऐसा बना हुआ, आई डोंट नो कि क्या है। नीचे यहाँ से देखो रिवर व्यू कितना प्यारा है और आगे की तरफ है ये डैम, खूबसूरत सा डैम। ग्लेशियर के पानी में नहाने के बाद भाई ठंडी नहीं लग रही है, हवा तो बहुत तेज चल रही है यहाँ पे भाई साहब। अभी ये इस तरीके के माउंटेन रेंज आ गई है जैसे हम अभी स्पीति में ही हो। एक तरफ रिवर बह रही है, शायद अलकनंदा का ही कुछ पार्ट होना चाहिए, बाकी आई एम नॉट श्योर कि कौन सी रिवर है ये। और ऐसे रस्तों से होते हुए अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ। इधर क्या है, वन व्हीकल एट ए टाइम वाला सही रोड रहता है कुछ कुछ जगह पे। अभी ये गाड़ी वाले ने हमारी गाड़ी देखी और हमारा इंतजार किया। सो एवरीबॉडी ये अपनी थार पहुंची है अभी हनुमान चट्टी में। ये जगह है, यहाँ का इतिहास आपको बताते हैं, थोड़ा सा आप ये पढ़ लीजिएगा। बाकी ये वो है जो महाभारत में एक सीन दिखाया गया था जिसमें भीम बड़ा घमंड में होता है हनुमान जी की, जो पूंछ ही नहीं ला पाता, वो जगह है। ये देख सकते हो मंदिर काफी फेमस है ये। अभी अंदर पहले मत्था टेक के आते हैं, आफ्टर दैट निकलेंगे आगे। ये देखिए यहाँ का इतिहास बताया गया है, इसमें आप खुद पोज करके पढ़ सकते हैं। ऊपर से किसी ने हमें एक फल दिया है, ये पता नहीं कैसा है, बड़ा ही टेस्टी है यार, खट्टा खट्टा सा, बहुत खट्टा लग रहा है, मस्त लग रहा है। चलो हम इसको टेस्ट करके देखते हैं, मेहनत की अभी नहीं लेना भाई, इसको धोने वोने का भी शायद नहीं है इसके। अरे नेचुरल है, नेचुरल तो टूट ही नहीं रहा है। ऐसा एक ले लो, बहुत खट्टा है, खांसी की दवाई है। हाँ वो लोग कह रहे हैं खांसी की दवाई है। देखो यार बहुत मेडिकेटेड इलाका लग रहा है ये हमें, बहुत बढ़िया चीज है। अभी खाते हैं इसको कैमरा बंद करके। जी सर 60 रुपए भैया। ओके
थैंक यू। यही है मंदिर पास में? हाँ भाजी, ये टावर के पीछे जो ऑरेंज कलर है ना। हाँ, कहाँ तक जाएगी गाड़ी? गाड़ी आगे आधा किलोमीटर 500-600 मीटर पैदल चलना पड़ेगा। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, सीधा सीधा ठीक है जी, ठीक है जी। जेंट्स है, तीन जन। ये ऊपर क्या है? रूफ टॉप टेंट। अच्छा, टेंट। यूट्यूबर है सर। अरे गजब गजब। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। तो एवरीबॉडी, अभी हम एंट्री ले चुके हैं बद्रीनाथ में। यार राजस्थान वालों के भी इधर बने हुए हैं स्टे के ऑप्शन। यार बहुत बढ़िया, यार बहुत ही बढ़िया। बद्रीनाथ धाम, श्री बद्रीनाथ धाम। और यहाँ से सबसे पहले हम तेल डलवाएंगे। रहने का ऑप्शन इधर बहुत ज्यादा है, क्योंकि बड़ी जगह है ना, तो ऑप्शन बहुत ज्यादा है। गांव तो शायद आगे की तरफ पड़ता है, मंदिर भी उधर है। तो जी हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ में, एंड चारों तरफ स्नो माउंटेन है। इधर भी ऊपर की साइड में एंड इस तरफ भी स्नो माउंटेन है। फिर अपनी गाड़ी भी हम लेके पहुंचे पेट्रोल पंप में। यार ऑयल ही नहीं है, यहाँ के साइन दे दिया। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, तेल कहीं ना कहीं पंप आ जाएगा, लेकिन कहीं मिला नहीं। फाइनली बद्रीनाथ में आके हमें ऑयल मिल गया है। उसे हम करा रहे हैं टैंक फुल, तो नहीं कराएंगे, 2000 रुपीज का करा रहे हैं। यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ बद्रीनाथ। अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। मंदिर यहाँ से 15 मिनट का रास्ता बताया है, एंड मैं नॉर्मली शर्ट में आ गया तब तो पता चला नहीं, एंड आई थिंक थोड़ा ठंडी ज़्यादा है इधर। इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जो लोग चार धाम यात्रा करते हैं उन लोगों का बद्रीनाथ लास्ट रहता है। बद्रीनाथ बहुत ही डेवलप है, ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पे। यहाँ का मार्केट काफी अच्छा है। अलकनंदा नदी के किनारे आप देख सकते हो कितना शानदार ग्लेशियर, और नीचे है भगवान बद्रीनाथ का इतना खूबसूरत द्वार, और यहाँ पे लगी है मार्केट। ये है बद्रीनाथ द्वार जहाँ हम अभी आए हैं, एंड मत्था टेकते हैं जय बद्रीनाथ की। क्या खूबसूरत है भाई, देखो हर तरफ स्नो स्नो है इधर भी, और ये है बीच में बसा हुआ, पहाड़ों के बीच बसा हुआ अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ। बहुत ही प्यारा मंदिर है। ऐसे खूबसूरत से पहाड़ों के वैलीज के बीचों बीच आप देख सकते हैं नीचे है नदी अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी के किनारे बना है ये खूबसूरत बद्रीनाथ टेंपल, जिसमें हम अभी दर्शन करके आ चुके हैं। बहुत भीड़ है इधर लोगों की, और जो लोग चार धाम यात्रा करते हैं उसमें भी ये चौथे नंबर पे आता है। वैसे तो आगे पीछे भी लोग कर ही लेते हैं। यहाँ तप्त कुंड बना हुआ है, गर्म पानी का स्रोत है, वो देख सकते हैं आप वहाँ पे। तो यहाँ भी गर्म पानी का स्रोत है, तो यहाँ आप बात ले सकते हैं गर्म पानी से। और हम जा रहे हैं अभी वापस गाड़ी की तरफ, और इंडिया लास्ट विलेज माना देखने के लिए। तो ये अभी हम पी रहे हैं केसर दूध, पता नहीं कैसा होगा, लेकिन ऐसे ही वादियों में बना रहा है भाई, तो होपफुली अच्छा ही होगा। अरे पीते पीते बनाओ। तो जी अभी हम घूम के आ चुके हैं, अच्छे से दर्शन करके आ चुके हैं हम बद्रीनाथ मंदिर में। साइड दे दे भाई। भैया माना रोड माना। ओके फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंडियन विलेज कह सकते हो माना, भारत का प्रथम गांव जो बद्रीनाथ क्रॉस करके आता है। तो एवरीबॉडी ये आप देख सकते हो, ये है भारत का प्रथम गांव बोल सकते हो माना, जिसमें जिसके लिए हम चल के आए इतना दूर। और ये देखो ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, आगे चल के विलेज है, यहाँ पे सरस्वती नदी भी है, जय महावीर। और यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं हिस्टोरिकल, पांडवों से रिलेटेड, तो वो सब चीजें आपको दिखाएंगे। मैं फटाफट चलता हूँ, अंधेरा काफी हो गया है, लेट हो गए हैं यार, माना को तो एक्सप्लोर आज अंधेरे में ही करेंगे।
काफी ब्यूटीफुल विलेज है माना, यहाँ स्नोफॉल बहुत होता होगा यार, सब भर जाता होगा यहाँ पे तो। यहाँ से सरस्वती नदी निकली है और ये बोला जाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ से सरस्वती नदी निकलती है और जमीन में समा जाती है, ऐसा नहीं है। यहाँ से नदी निकलती है, ये नीचे से जाके आगे जाके अलकनंदा नदी में उसका संगम हो जाता है थोड़ा सा आगे चल के, तो वो एक तरीके से बोला जा सकता है कि वो अलकनंदा नदी में मिल जाती है। और ये जो आप इस तरफ देख रहे हो, ये इसको बोला जाता है भीम ब्रिज, महाभारत काल का है और भीम ने ये ब्रिज मतलब बनाया था। और इसी रास्ते से होते हुए ऊपर आगे स्वर्ग द्वार है और वो स्वर्ग द्वार की तरफ आगे चले गए थे, तो ये यहाँ का इतिहास है। और हाँ, इस माना विलेज में ऊपर गणेश गुफा है और व्यास गुफा है, वो इसी विलेज में ऊपर चल के वो जगह बनी हुई है। तो ये हमने यहाँ के लोकल पंडित जी से ये चीज़ों की जानकारी ली है। और ये है सरस्वती माता का मंदिर, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है ये। यहाँ का इतिहास कभी जीवन में जरूर आएंगे दोबारा और दोबारा, आपको आके यहाँ से 8 किलोमीटर ऊपर भी जाएंगे और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। शुगर के लिए है, ये हेयर फॉल, ये पथरी के लिए, ये चाय पत्ती हो, ये नजर ना लगे इसलिए। इसमें हमने ये लिया है, हैंडमेड है ये, बनाया है आंटी ने। एवरीबडी, हमें जाना था वैली ऑफ फ्लावर में, लेकिन यार वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक तो मैं कम से कम कोई कह रहा 7 घंटे का, कोई 6 घंटे का, अभी हमें पता नहीं एग्जैक्टली ये कहाँ से पड़ेगा। हमें आज ना ऐसा लग रहा है कि लेट हो गए यार, कोई कैंपिंग लोकेशन की बजाय अगर होमस्टे भी मिला ना तो होमस्टे या होटल में देखते हैं यार। पटाखे वटाखे चल रहे हैं यहाँ पे, गाइज ये कोई इशू हो गया इसमें, ये देखिए DPF इज क्लॉग्ड। अभी भी सिर्फ 5-500 किलोमीटर चली है लेकिन पहाड़ों में चली है, ये कुछ ऑप्शन आ रहा है इसमें। मैंने इसके लिए रिक्वायरमेंट वीडियो देखा तो गाड़ी कम से कम 20 मिनट तक स्टार्ट रहती है, थोड़ा सा रीजनरेशन इसका करना पड़ता है। अभी हम बद्रीनाथ से नीचे उतर रहे हैं और रस्ते में ये प्रॉब्लम आ गई है तो ये रीजनरेशन ऑन किया मैंने, ये आप देख पा रहे हो नीचे स्टार्ट बटन, इसको मैंने कम से कम 20 सेकंड तक प्रेस किया है तो रीजनरेशन शुरू हो गया है। 7-8 मिनट में ये रीजनरेशन कम्प्लीट कर लिया है गाड़ी। अभी तो एक बार बंद करके दोबारा चेक कर लेता हूँ भाई, एरर देती है कि नहीं देती है, स्टार्ट करके देखते हैं एरर देती है या नहीं देती है। नहीं आ रहा अब गाइस, कोई एरर नहीं आ रहा है। एक प्रॉपर्टी आज हमने ले ली है यार, एक होम स्टे, श्लोका होम स्टे, पता नहीं जगह का क्या नाम है। लेट हो गए थे तो थोड़ा कैंपिंग वैम्पिंग वाला सा सीन बैठ नहीं रहा था। आज हमने स्टे लिया है ये पांडुकेश्वर करके कोई जगह है शायद, एंड लोकल ने बताया यहाँ पांडवों का मंदिर भी है एंड वो ऐतिहासिक मंदिर है, कहते पांडवों ने बनाया था। एंड होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट टिल देन लव लाइफ बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, आगे बढ़िया बढ़िया वीडियोस आएंगे। और हाँ, अपनी गाड़ी में कुछ इशू आ रहा है तो यार कल मैं ऋषिकेश पहुंचूंगा वाया ओली होके, प्लान तो अभी तक यही है, तो ऋषिकेश 3-4 दिन रुकने का प्लान मैं बना रहा हूँ, बिकॉज यार बड़े वीडियोस बहुत ज्यादा हो गए यार, उनको एडिट करना पड़ेगा अभी, आपको पता है ये बड़े वीडियोस अपने आ ही नहीं रहे।